निकी राव में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी सही जानकारी। चलो तो फिर देखते हैं। यहाँ आपको एंड्रॉइड से लेकर आईफोन तक और बाइक से लेकर इलेक्ट्रिक कार की आने वाली खबर मिलती है। टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में अपनी पकड़ आए दिन मजबूत बनाते रहती है और अब कंपनी इसमें और भी मजबूती लाने वाली है। जल्द ही टाटा की एक मिडसाइज एसयूवी मार्केट में आने वाली है, जिसे ब्लैकबर्ड कोडनेम दिया गया है। नई ब्लैकबर्ड की जगह टाटा लाइनअप में हैरियर हैरियट से नीचे होगी, वही टाटा नेक्सॉन नेक्सॉन इसके नीचे की जगह घेरेगी। ये कार मिडसाइज एसयूवी होने के नाते इस सेगमेंट में तगड़ी टक्कर देने वाले है, क्योंकि लुक्स के मामले में कंपनी इसे दमदार अंदाज में पेश करने वाली है। ह्युंडई क्रेटा को टक्कर देने वाली टाटा की आगामी ब्लैकबर्ड कूपे स्टाइल पर बनाई जा रही है और इसके साथ दमदार इंजन दिया जाएगा। ह्युंडई इंडिया की दमदार बिक्री वाली कारों में क्रेटा शामिल है। ऐसे में टाटा की इस मिडसाइज एसयूवी के लिए मार्केट में मुकाबला आसान नहीं होगा। कंपनी इस एसयूवी के साथ 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देने वाली है, जो इसे काफी ताकतवर बनाएगा। फिलहाल इस एसयूवी की ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। ताज़ा लॉन्च की बात करें तो टाटा सफारी कंपनी के कार लाइनअप का सबसे ताज़ा मॉडल बनने वाली है, जिसे डार्क एडिशन दिया जाएगा। बाकी सभी डार्क एडिशन की तर्ज पर टाटा सफारी को भी इंटीरियर और एक्सटीरियर में कई कॉस्मेटिक बदलावों के साथ पेश किया जाएगा। एसयूवी को पूरी तरह काला इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलेगा और सफारी डार्क एडिशन 17 जनवरी को भारत में लॉन्च करेगी। एसयूवी के 18 इंच अलॉय व्हील्स भी ब्लैक पेंट वाले होंगे। इंटीरियर की बात करें तो ऑल ब्लैक थीम के अंतर्गत इस 3 रो एसयूवी के XZ और XZ प्लस वेरिएंट्स को संभावित रूप से डार्क एडिशन मिलेगा। इसके साथ खूब सारे फीचर्स दिए जाएंगे। इनमें 8.8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एप्पल कापले और ऑटो वायरलेस चार्जर, JBL ऑडियो सिस्टम, 7.0 इंच पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक और लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री शामिल हैं। टाटा की ब्लैकबर्ड मिडसाइज एसयूवी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करें। यहाँ आपको एंड्रॉइड से लेकर आईफोन तक, स्मार्ट वॉच से लेकर DSLR कैमरा तक, विंडोज से लेकर मैकबुक तक और कार से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक की खबर मिलती है। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको मिल जाए हर वीडियो की नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके मोबाइल पर मिल जाए हर वीडियो का नोटिफिकेशन।